नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आज सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायकों को रायपुर भेज दिया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। शाम होते होते यूपीए के विधायक रायपुर लैंड कर गए, जहां मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों को ठहराने के लिए लग्जरी बंदोबस्त किया गया है, लग्जरी इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार की ये तस्वीरें देखिए, ये यूपीए विधायकों को रांची से रायपुर एयरलिफ्ट करने से पहले की तस्वीरें हैं। झारखंड में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद विधायकों को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंचे। करीब दोपहर 1 बजे से ही विधायकों की शिफ्टिंग का तामझाम शुरू हो गया। दोपहर 3 बजे के आसपास सीएम हाउस से 2 बसें खुलती हैं। यूपीए विधायकों को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा बयान देते हैं। वो कहते हैं, यहाँ षड्यंत्र चल रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई नई परिपाटी नहीं है, ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है। अरे कलकत्ता नीचे कर भाई, माइक दोनों हाथ दबा हुआ है और ना ही कुछ अनहोनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति, अरे यार क्या कर रहे हो, मेरा हाथ कौन दबा रहे भाई, का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं, उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा। पिछले 4 दिनों से झारखंड की सियासत में ये खबर उड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। कई बार सत्ताधारियों की ओर से लिफाफे के राज पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर मंगलवार तक कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे में मंगलवार दोपहर 3 बजे के आसपास सीएम हाउस से 2 बसें खुलती हैं। फ्रंट सीट पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद होते हैं। सीएम के ठीक बैक वाली सीट पर मंत्री आलमगीर आलम, बगल में अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर बैठे होते हैं। 2 लग्जरी वॉल्वो बस से यूपीए विधायक एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जो है तमाम विधायकों को लेकर के यहां से सीएम हाउस से बकायदा एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। 2 बसेस हैं, 2 वॉल्वो बसेस, और पहली जो बस थी उसमें बकायदा फ्रंट सीट पर हेमंत सोरेन बैठे हुए थे और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और जो उन्होंने मीडिया को बयान तो नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो इशारा किया उससे साफ मैसेज दिया कि वो फ्लाई करने जा रहे हैं अपने विधायकों के साथ। हमने जो देखा, जो तस्वीरें देखी वो ये थी कि फ्रंट सीट पर हेमंत सोरेन बैठे हुए थे, ठीक उनके बैक सीट पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम थे और उसके ठीक बगल वाली जो सीट थी, यानी कि ऑपोजिट साइड की जो सीट थी, उस पर जो है जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वो बैठे हुए थे। यानी जी मीडिया झारखंड में सियासी हलचल पर सबसे अपडेट खबरें देता रहा है। जब सीएम हाउस में बसें खुलती हैं तो हमारी टीम सीएम के काफिले के पीछे होती है। हम ये जानने की कोशिश में जुटे थे कि आखिर शनिवार से चल रहे सियासी सस्पेंस के बीच मंगलवार को अचानक से विधायकों को रायपुर क्यों शिफ्ट किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड सरकार को बंगाल से सॉलिड इनपुट मिला कि हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिससे सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। फिर क्या था, तुरंत ही यूपीए विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया। सॉलिड इनपुट है सत्ता पक्ष के पास, वो ये उनके पास जो खबर आई है बंगाल से कि वहां पर हवाला कारोबारियों को पास ये मैसेज पहुंचा है कि 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ से अधिक की व्यवस्था करने के लिए, और उस पैसे का जो बंगाल के तरफ से जो उन्हें एक अलर्ट आया है, रेड अलर्ट दिया गया है झारखंड में हेमंत सरकार को, वो ये कि इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो झारखंड की सरकार को अपदस्थ करने के लिए किया जा सकता है, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए किया जा सकता है। और यही वजह है कि राजभवन में लिफाफे के राज पर अब कोई बात नहीं की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। अब बात यह की जा रही है कि अब राजभवन के लिफाफे के जो राज है वो राज रखे या पब्लिक डोमेन में लाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा रायपुर के रिजॉर्ट की तस्वीरें देखिए। इसी लग्जरी मेफेयर रिजॉर्ट में यूपीए के विधायकों को ठहराया गया है। हर एक विधायक के नाम से कमरा बुक है। एक ओर यूपीए के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है तो दूसरी तरफ रांची में 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में कई मंत्री जो रायपुर शिफ्ट हुए हैं
उन्हें लौटना पड़ सकता है। दरअसल हेमंत सरकार निर्वाचन आयोग से राजभवन आए उस लिफाफे के बाद से उहापोह की स्थिति में है, जिसमें हेमंत सोरेन के विधानसभा की सदस्यता का भविष्य कैद है। यही वजह है कि लिफाफा आने के बाद भी शनिवार को रांची में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली थी, जब अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर खूंटी के लतरातु डैम पहुंच गए। यूपीए विधायकों के साथ मौज मस्ती की तस्वीरें भी सामने आई थी। सीएम और विधायक नौका विहार करते हुए भी नजर आए थे। अब एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देखना होगा झारखंड में सियासी संकट कब खत्म होता है। रांची से मनीष मेहतार चंदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के यूपीए विधायकों के रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में पहुंचने से पहले वहां शराब से भरी एक गाड़ी पहुंची। गाड़ी पर आबकारी विभाग लिखा हुआ था। जब मीडिया कर्मियों ने शराब का वीडियो बनाना शुरू किया तो गाड़ी को वापस लौटा दिया गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये वैन वहां पर पहुंची थी और गाड़ी में आबकारी विभाग लिखा हुआ था, लेकिन जब मीडिया वालों ने उसे कवर करना शुरू किया तो उसे वापस कर दिया गया। राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और पूरी तैयारियां जो हैं मेफेयर रिजॉर्ट में की गई है। आप देख सकते हैं कि ये आबकारी विभाग की गाड़ी है और आबकारी विभाग की गाड़ी शराब से भरी हुई है। देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड के शराब जो हैं वो भर के लाई गई है और मेफेयर रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट के अंदर ये गाड़ी जा रही है। और आप देख सकते हैं ये आबकारी विभाग की गाड़ी है और आबकारी विभाग की गाड़ी में बड़ी से बड़ी और महंगी जो शराब जो है वो पहुंची हुई है। और कुछ देर ये जो आबकारी विभाग की गाड़ी है वो रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए खड़ी हुई थी। हालांकि मीडिया को देखते हुए ये गाड़ी को जो है फिर वापस मोड़ा जा रहा है और वापस जो है इसे लेकर जाया जा रहा है। देख सकते हैं शराब से भरी हुई ये पूरी गाड़ी है और ये पूरी माना जा रहा है कि जो विधायक झारखंड से पहुंचेंगे उनके लिए ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि अब गाड़ी को वापस रवाना कर दिया गया है क्योंकि मीडिया की तैनाती यहां पर मौजूद है और मीडिया के जो पत्रकार हैं वो जब इस गाड़ी को देखे हैं उसके बाद इस गाड़ी को वापस रवाना कर दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। और इन तस्वीरों को देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड की महंगी शराब वहां पर इस वक्त गाड़ियों में रखी हुई थी और आबकारी विभाग की ये गाड़ी बताई जा रही थी। विधायक उस वक्त वहां पर पहुंचे नहीं थे, रिसॉर्ट में ये गाड़ी जा रही थी, लेकिन जब मीडिया वालों ने कवर करना शुरू किया तो ये गाड़ी वापस लौट गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर ठीक उस वक्त जब आम लोगों के लिए एंट्री बैन कर दी गई है, जब कोई वहां पर जा नहीं सकता, तो आखिर ये शराब किसके लिए और क्यों वहां पर लेकर जाया जा रहा था, इस बात का जवाब जानना है। हालांकि फिलहाल जब मीडिया वालों की भीड़ वहां पर नजर आई तो गाड़ी को वापस कर दिया गया है, लेकिन आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग ब्रांड की बोतलें वहां पर रखी हुई थी, कार्टन वहां पर रखे हुए थे, आबकारी विभाग की ये गाड़ी बताई जा रही थी। और जब हमने तस्वीरें बनानी शुरू की, जब हमने अपने दर्शकों को बताना शुरू किया, तो इसके बाद ये गाड़ी को वहां से वापस कर दिया गया। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर की ये